अफगानिस्तान के दूर दराज के गांव में कुछ सिख परिवार आज भी बचे हैं, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में है। कश्मीर के अंदर यही हुआ, जब तक कश्मीर में हिंदू राजा था, हिंदू भी सिख भी सुरक्षित था। जैसे ही हिंदू राजा का पतन हुआ, हिंदुओं का भी पतन होना शुरू हुआ। आज वहां की स्थिति क्या है, कोई सुरक्षित अपने को बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हमें इतिहास के इन क्षणों से कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और फिर इसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाकर के कार्य करना चाहिए।